Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए त्रिभुज का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी तो सिद्ध करना है सी ए बटा सी डी बराबर सी बी बटा सी ए। 2022 से पूछा क्वेश्चन, समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, और इस त्रिभुज में भुजा जो बीसी है उस पर एक बिंदु डी ले लिया है, और डी बिंदु लेने से ये वाला जो कोण बन रहा है, दीजिएगा देखिए ए डी सी ये वाला कोण और फिर बी ए सी ये वाला कोण, दोनों क्या है बराबर है, और सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध ये चीज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी लीजिए एक और त्रिभुज एक लीजिए ए बी सी, ठीक है। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज और एक ए बी सी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये बड़ा दोनों में, अब दोनों में देखिए कोण ए बी सी बराबर दिया हुआ है कोण बी ए सी, ये तो दिया हुआ है नहीं, ये दिया हुआ देखिए ए बी सी में कोण ए वाला यानी बी ए सी और ए बी सी में कोण डी दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा कोण सी बराबर कोण सी दोनों में आ रहा है, देखो ए सी बी बराबर में आ जाएगा, फिर ए सी डी छोटा वाला आ जाएगा, तो सी दोनों में रहेगा, तो सी कोण क्या हो गया उभय निष्ठ हो गया। अब बात कीजिए, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाना है, और अगर तीसरा कोण बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ए समरूपता से दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम ए समरूप, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपातिक होता है, ठीक है। तब देख लीजिए एबीसी में, ध्यान दीजिएगा एबीसी में अगर ये कोण है तो कोण के सामने का भुजा लंब होता है, तो अगर हम बड़का त्रिभुज में लंब ले यानी बीसी तो छोटा बड़ा त्रिभुज का भी लंब लीजिए, तो देखिए हमने कोण के सामने का भुजा लिया तो इसके भी कोण का सामने का भुजा कितना है सी ए, ठीक है, फिर बराबर। अब अगर हम ये वाला कोण के सामने लेते हैं तो क्या आएगा ए बी, और इसके ये वाला कोण के सामने ए बी, ध्यान दीजिएगा ये सी दोनों के लिए है, तो इसके सामने बने बड़का त्रिभुज का ए बी या छोटा त्रिभुज का ए बी। उसके बाद देखिए ए डी सी में सी डी भुजा ए डी सी में और बड़ा ए बी सी में ए सी भुजा, ए सी को सी ए लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा और देखिएगा माना क्या है, ध्यान दीजिएगा सी ए बटा सी ए, देखिए सी ए और सी ए मिल गया, तो अब ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे बी सी बटा सी ए बराबर सी ए बटा सी, देख सकते हो क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर। और देखिएगा देखिए क्या लिखा हुआ है सी ए बटा सी डी बराबर बी सी को लिख सकते हैं सी डी और बटा क्या है सी ए, देखिए इसी करना था ना सी ए बटा सी डी सी बी बटा सी ए, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 और ए का स्क्वायर है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ए क्या है, देखिए यहाँ पर ए भुजा है, यानी हम कह सकते हैं कि रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए रचना पहले करना पड़ेगा, मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का हम लोग बनाते हैं, देखिए इस समबाहु त्रिभुज का कुछ नाम रख दीजिए ए बी सी, चूंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ कितना ए, तो ये वाला भुजा ए ये वाला भुजा ए ये वाला ए, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा करेगा बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा इस पर यहां से एक लंब डाल दीजिए, रचना कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या डालते हैं लंब, और यहां पर कोई बिंदु हम लोग बी मान लेते हैं चलिए, ठीक है, और ये यहां से यहां पूरा कितना है ए है, तो ध्यान दीजिएगा या तो बी से डी या तो डी से सी कितना होगा आधा होगा, समझिए ये बीच में लंब है दिया हुआ, तो यहां से यहां ए बटा टू हो जाएगा,
ठीक है। अब इधर भी ए बटा टू रहेगा, लेकिन इधर या इधर उधर से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय होता है इसके सामने का भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, ए से सी यानी कि ए का स्क्वायर, लंब कौन है देखिए ए से डी यानी कि इसका मान हमको मालूम नहीं है, और इसी का मान निकालने के लिए करना पड़ा, क्यों करना पड़ा आगे बताएंगे आपको, देखिए तो इसको ए डी ही रहने दीजिए, तो ए डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना देखिए यहां से यहां सी डी, सी डी का मान कितना है एक बटा दो, तो एक बटा दो का स्क्वायर, और देखिएगा ए स्क्वायर देखिए प्लस है, प्लस इधर आएगा तो माइनस कितना होगा ए का स्क्वायर और बटा चार इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, और देखिएगा इसको कर लीजिए भिन्न का घटाव कीजिएगा तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा फोर होगा इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा, इसका मतलब है कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना मतलब देखो चार में जब तीन गया तो ए गया तो तीन ए स्क्वायर बटा चार, तो उसके बाद देखिएगा यहां से ए डी का मान निकालिए, तो ये देखिए स्क्वायर का उल्टा कर जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल हो जाएगा यानी कि रूट हो जाएगा तीन ए का स्क्वायर बटा चार, इसको हम लिख सकते हैं रूट तीन ए बटा दो, तीन ए का स्क्वायर ए और चार का दो। अब ध्यान दीजिएगा इसको निकालने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये ऊंचाई अगर हमको मालूम रहेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा, इसीलिए ऊंचाई निकालना पड़ा, ठीक है। अब लगा दीजिए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई, अब इसको नाम में लिखिएगा तो हाफ आधार देखिए त्रिभुज एबीसी, ये पूरा त्रिभुज एबीसी का आधार यही है ना, तो बी से सी आधार है बी से सी, और ऊंचाई कितना देखिए बी से सी पर ऊंचाई यही है ए से डी, और देखिएगा एक बटा दो बी से सी, बी से सी पूरा कितना देखो यहां से यहां ए है तो ए लिख दीजिएगा गुना ए से बी, ए से बी देखो हम लोग निकाले हैं रूट तीन बटा दो इंटू ए, और देखिएगा रूट देखो अब ऊपर मुद्रा करो एक एक तो ए स्क्वायर फिर रूट तीन और दो बटा दो तो चार, देखिए हो गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सिद्ध करना था ने आ गया, तो यही प्रूव हो गया देखिए क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देखिए त्रिभुज एबीसी में एबी का मान एसी का मान बीसी का मान दे दिया है, कोण का मान बोल रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज लीजिए इस प्रकार से ए बी सी, अब ध्यान दीजिएगा एबी का मान कितना है छह रूट तीन सेमी यानी सेंटीमीटर, ए से सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, और ए से सॉरी बी से सी का मान है 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लें, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है ए से सी का स्क्वायर यानी कि इसके सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना होगा बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये ए सी का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर आ जाता है तब पाइथागोरस प्रमेय सही है, और नहीं आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय सही नहीं है, तो हम लोग तो लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय, देख लेते हैं जांच करके, तो ए से सी 12 का स्क्वायर 144, ए से बी 6 रूट तीन का स्क्वायर प्लस बी से सी 6 का स्क्वायर 36, तो देखिए 144 इक्वल टू देखिए 6 का स्क्वायर 36 और रूट तीन का 3 तो 36 गुना 3 कर लीजिए
108 प्लस 36, देखिए 144 बराबर 144 आ गया, यानी जो हम फॉर्मूला लगाए पाइथागोरस का ये इसके लिए बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज मतलब अगर ये कोण समकोण है तभी ये वाला फॉर्मूला सटीक बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री हो गया। अगर यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तेईस में पूछा हुआ क्वेश्चन। सर्वांगसम मतलब सब भुजा बराबर हो आपस में, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दो समरूप त्रिभुज, तो मान लीजिए यहां पर एक समरूप एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं क्या ए बी सी, और एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब कहता है कि ये दो समरूप त्रिभुज मान लीजिए दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, बिल्कुल दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब अगर ये समरूप त्रिभुज तो चीज और दिया हुआ कि इसका क्षेत्रफल भी क्या है बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है बराबर है। अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर उधर क्या बचेगा, वन। देखिए एक तो सब में गुणा रहता है ना, तो गुणा का उल्टा भाग एक बच गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि दोनों त्रिभुज तो समरूप है, और याद कीजिएगा क्लास में आपको पढ़ाए हुए कभी कि समरूप त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये थ्योरी है। तो अगर हम इसका त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में संगत भुजा ए बी, तो इसका संगत भुजा पी क्यू और इसका स्क्वायर, फिर इसका संगत भुजा अगर हम लेते हैं बी सी तो इसका क्यू आर और उसका स्क्वायर, अगर इसका भुजा लेते हैं ए सी तो इसका भुजा पी आर और दोनों का स्क्वायर। ये समरूप त्रिभुज के लिए, किसके लिए है, समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया है, एक, तो हम ये पूरा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक, एक बराबर क्या हो जाएगा एबी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। अब समझिएगा बात को, ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर है, एक के बराबर ये इसके बराबर है ना, तो हम चारों को अलग अलग भी तो बराबर लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर एक, इसके बराबर भी एक, इसके बराबर भी, अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर एक से इसमें गुणा करिए तो पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह देखिए बी सी स्क्वायर और एक को यहां लाए मतलब क्यू स्क्वायर को यहां लाए तो गुणा होगा, तो बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर, और फिर स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। अब देखिए ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू दोनों अलग अलग त्रिभुज का भुजा, फिर बी सी क्यू आर दोनों अलग अलग त्रिभुज का संगत भुजा, फिर ए सी पी आर सब क्या गया बराबर, अगर तीनों भुजा बराबर है तो क्या हो गया सर्वांगसम। इसका मतलब है कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और ये देखिए सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर यही सिद्ध करना था, क्लियर। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a दिया हुआ है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 2015 2021 में पूछा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बना लेते, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी पहले बना लीजिए, ठीक है, ए बी सी। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है,
टू ए, यानी कि ए बी भुजा टू ए, ए सी भुजा टू ए और बी सी भुजा भी टू ए, ठीक है। अब कहता है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए शीर्ष लंब मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ देखिए ये शीर्ष है और यहाँ से सामने वाला भुजा पर एक लाइन खींचे तो ये लंब हो गया, या फिर ये शीर्ष है इसके सामने यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये लंब हो गया, या फिर ये है इसके सामने खींच दीजिए तो ये क्या हो गया लंब हो गया। तो इस प्रकार से इसको बढ़िया से कर लेते हैं। देखिए तो प्रत्येक शीर्ष लंब कहते इसका भी नाम दीजिए, चलिए ये ई है ये है, ठीक है। यानी कि देखिए समझिए ए से इसका नाम बी लीजिए, तो ए से बी का लंबाई या फिर बी से ई का लंबाई या सी से एफ का लंबाई, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि अगर हम लोग देखेंगे ध्यान दीजिएगा ए बी डी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी तथा एक और त्रिभुज देखिए ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखिएगा ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, बोलो कितना बराबर है टू ए। देखिए त्रिभुज इधर वाला ये वाला त्रिभुज में ए बी टू ए, इधर वाला त्रिभुज में ए सी टू ए, दो भुजा बराबर है। उसके बाद इसका 90 कोण, इसका भी 90 कोण, तो दोनों कोण जो है यानी कि कोण ए डी बी और कोण ए डी सी दो कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो बात कीजिएगा नाइन्थ में पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज का समकोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तब हम उसको बोलेंगे आरएच यस सर्वांग समता। क्या बोलेंगे आरएच यस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम, यानी कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होगा बराबर, ध्यान दीजिएगा अगर ए से बी और ए से सी बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बी या फिर बी सी बी सी डी सब का सब क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिएगा सर्वांग सम त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर तो हम कह सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर ए सी, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। टू और देखिए कौन सा भुजा बराबर होगा बी बी और सी, देखिए बी से डी और सी से डी बराबर, अगर बराबर होगा तो कितना होगा देखिए पूरा कितना है टू ए। अब टू ए को बराबर बराबर दो भाग में बांटेंगे तो यहां से यहां कितना आएगा ए और यहां से यहां भी कितना आएगा ए, तब ए और ए बराबर होकर के टू ए होगा, तो ये हो गया ए। अब हम आराम से निकाल सकते हैं किसका लंब का लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब का लंबाई, तो ले लीजिए त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण के सामने का भुजा, देखिए ए बी डी ए बी डी ए देखिए समकोण है इसके सामने का भुजा क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है ठीक है लंब का स्क्वायर जो आधार का मान रख दीजिए। देखिए कर्ण का होता है समकोण के सामने का भुजा यानी कि ए बी का स्क्वायर, और ये लंब हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आधार बी डी का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए देखिए ए से बी कितना है टू ए, तो टू ए का स्क्वायर, ए से डी लंब ज्ञात करना है तो रहने दीजिए ए से बी का स्क्वायर प्लस बी से डी कितना आया है ए आया है, ठीक है। ए निकालने के लिए इतना करना पड़ा देखिए, ठीक है ये दिया हुआ नहीं था। अब देखिएगा टू ए का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे फोर ए स्क्वायर प्लस कितना लगे तो माइनस ए स्क्वायर ए डी का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा इसको इधर ले जाइए तो ए बी इक्वल टू कितना बचेगा थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्टा रूट, इसीलिए ए डी यानी कि सिलसिला निकल जाएगा रूट तीन गुना भुजा यानी ए, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रत्येक सिलसिला यानी ए से डी अगर आ गया है रूट तीन ए तो इसका मतलब है कि सी से एफ भी उतना ही आएगा और बी से ई भी उतना ही आएगा, क्लियर। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर दिया हुआ है बी सी, देखिए समानांतर का चिन्ह है
तथा उसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। तो सिद्ध क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ये क्वेश्चन देखिए 12 में 13 में 18 में पूछा हुआ, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रचना कर लीजिए किसका, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का। तो यहां पर देखिएगा एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी। अब कहता है इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब इस कोण को इस कोण से मिला दीजिए, देखिए इस प्रकार से ये एक विकर्ण हो गया। इस विकर्ण का नाम क्या होगा, बी डी। इसको और इसको इसे मिला दीजिए, इस विकर्ण का नाम क्या हो जाएगा, ए सी। दोनों कहां पर काट रहा है, जहां पर भी कटे उसका नाम क्या रख दीजिए, ओ बिंदु, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए ओ ए है दीजिएगा, ओ ए बटा ओ सी और ओ डी यानी ये वाला भुजा और ओ डी ये वाला भुजा, दोनों अनुपात में सिद्ध करना, ध्यान दीजिएगा बच्चा। देखिए इसमें आप देखिएगा ये वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये वाला त्रिभुज बन रहा है, है? तो अगर बन रहा है देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ले लीजिए डी ओ सी में, अब अगर ये दोनों हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। अब बराबर क्या होगा इसको समझाते देखिए, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, देखिए दोनों में ओ आया, ऊपर वाला ओ ऊपर के त्रिभुज का, नीचे वाला नीचे का त्रिभुज का, और ये होगा सम्मुख कोण कह लीजिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण कह लीजिए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से सम्मुख कोण भी आप लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये देखिए आमने सामने का जो कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दो कोण बराबर हो गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए ये दिया हुआ है कि ए बी समानांतर क्या है, बी सी, यानी कि ये बड़ा भुजा और ये बड़ा क्या है, समानांतर। तो देखिएगा कि चूंकि दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी, बच्चा ए बी समानांतर सी डी, इसीलिए ए बी समानांतर सी डी तथा अगर हम बी डी को एक तिर्यक रेखा मान ले, क्या मान ले, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हो तो कोण देखिएगा ए बी ए बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी, कौन कौन से, एकांतर कोण से, ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक समानांतर दो समानांतर रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण एकांतर कोण से बराबर, लिख लिया जाएगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला भी, जब तुमको लेना है ये दोनों त्रिभुज में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण करेंगे एकांतर, देखिए ए बी ओ और ओ बी सी एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब आप कीजिए, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, समरूप होता है, तो हम लिख देंगे ए ए समरूपता से, तो ए ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ सी, और आप बात कीजिए समरूप त्रिभुज की संगत हो जाए समानुपातिक होती है। तो अगर हम इस त्रिभुज का लेते हैं ए ओ, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे ओ सी, और समानुपातिक होता है। इस त्रिभुज का लीजिए ए बी, तो नीचे वाला त्रिभुज का ओ बी समानुपातिक होता है, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, समझे, हो गया जी, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी सब कोण है, ठीक है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः उसकी भुजाओं सी ए और सी बी पर स्थित है, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है 2019 में पूछा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है, क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज, देखिएगा एक समकोण त्रिभुज ए बी और इसका सी क्या है, समकोण, देखिए कोण सी क्या है, समकोण बन गया। उसके बाद पी और क्यू उसकी भुजाओं सी ए, देखिए सी ए, तो सी ए पर कौन आएगा, पी आएगा, कहीं पर पी डाल दीजिए। उसके बाद सी बी, सी बी पर कौन आएगा, क्यू आएगा, यहां पर क्यू मार दीजिए, ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, ये इस प्रकार का रचना बन गया। सिद्ध क्या करना है, देखिए ए क्यू
ए से क्यू, तो ए से क्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इसको भी आप मिला दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद क्या कहता है, बी से पी, बी से पी मिल रहा है तो इसको भी मिला दीजिए, मिल गए। अब ये आपका पूरा रचना हो गया। अब यही सिद्ध करना है कि ए से क्यू का स्क्वायर प्लस बी से पी का स्क्वायर बराबर है ए से बी का स्क्वायर और पी से क्यू का स्क्वायर। देखिए इसको भी मिला दिए, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, चूंकि लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी पी ले लीजिए, बी सी पी बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा बी सी पी ये वाला देखिए, इसमें ये समकोण है, और अगर ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो इसका स्क्वायर यानी कि बी पी का स्क्वायर बराबर पी से सी का स्क्वायर और प्लस बी से सी का स्क्वायर, ठीक समीकरण। इसी तरह, इसी तरह समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए क्यू सी लीजिए, ए क्यू सी, ए क्यू सी लेके बन रहा है, सी समकोण है, समकोण के सामने ए से क्यू कर्ण आ जाएगा, तो ए से क्यू का स्क्वायर बराबर ए से सी स्क्वायर, ठीक क्यू से सी स्क्वायर, सभी तरह में। अभी तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, देखिए ए से क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। समीकरण को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक जोड़ दो करने पर, ध्यान दीजिएगा राइट साइड को एक तरफ, लेफ्ट साइड को एक तरफ जोड़िए, तो देखिए लेफ्ट वाला जो है ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जोड़ दिए। अरे देखिए यहां पर लिख दिए हैं एक जोड़ दो, पहले लिख दिए हैं दो बड़ा, तो उससे कोई मतलब नहीं, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा ए से क्यू स्क्वायर प्लस बी से पी स्क्वायर, इधर का तो मिल गया है, अब इधर देखिए ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू तो है नहीं कहीं पर, तो ए बी और पी क्यू अब देखिए कैसे निकालेंगे, ए से बी ध्यान दीजिएगा, ए से बी ये स्क्वायर है, देखिए सामने बन रहा है यानी कि बड़का त्रिभुज में, कैसे करिए इसको समीकरण तीन करके छोड़ दीजिए यहां पर, ठीक है। अब देखेंगे चूंकि त्रिभुज लीजिए समकोण भी बन रहा है ना, ले लीजिएगा समकोण त्रिभुज बड़ा बड़ा ले लीजिए ए बी सी में, एबीसी में हम क्या देखेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ए सी बी सी दोनों मिल करके ए बी, तो ए बी आ जाएगा। अब लाना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर देख लीजिए, पी सी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें ले लीजिए, तो कर दीजिएगा तथा समकोण त्रिभुज पी पी क्यू सी में, फिर देखिए ये सामने क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर और क्यू सी स्क्वायर। अब कर दीजिए यहां पर समीकरण तीन से, तो समीकरण तीन से देखिएगा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ए से सी प्लस बी से सी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर मिलेगा। चलिए अब यही क्या करना था, सिद्ध करना था यहाँ पे, देखिए तो ये आपका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और स्थित है, ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। देखो एक त्रिभुज इस प्रकार का बना लीजिए, इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए पी क्यू आर, ठीक। अब इस पर बिंदु देखिए पी क्यू पर बिंदु क्या आएगा, ई आएगा, कहीं पर ई ले लीजिए, उसके बाद पी आर पर क्या आएगा, ई एफ आएगा, कहीं पर ले लीजिए ई एफ, ठीक। अब कह रहे यदि पी से ई, पी से ई कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्यू से ई, क्यू से ई कितना है, क्यू से ई है 4.8
पांच सेंटीमीटर ठीक। टी से यफ, टी से यफ कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर से यफ, आर से यफ है 9 सेंटीमीटर। सिद्ध क्या करना है, ई से यफ, ई से यफ देखिए मिल रहा है, कहां मिल रहा है, इसको मिला दीजिए, रचना कर दीजिए, ठीक है। तो ई से यफ समानांतर क्यू से आर, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देखिए, चूंकि पी से ई बटा क्यू से ई करिए, ध्यान दीजिएगा, पी से ई बटा क्यू से ई तो हो जाएगा 4/4.5। इसी तरह है, इसी तरह उधर बदल लीजिए, पी से यफ बटा आर से यफ तो 8/9 काट दीजिए, 4 दुनी 4.5 9 तो 4.5 आ गया, दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ई क्यू ई बराबर पी यफ आर यफ, और बराबर कब होता है, जब दोनों रेखा नी की ई यफ और क्यू आर दोनों समानांतर होता है तभी बराबर आएगा, ऐसे बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर तभी आएगा जब ये दोनों समानांतर होगा, अगर समानांतर नहीं है तो बराबर नहीं आएगा। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, यही हम लोग को सिद्ध करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, बनाइए यहां पर पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और इस समकोण त्रिभुज धर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज तो है, और इसमें क्या कहता है कि समद्विबाहु, अरे दो भुजा बराबर भी हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है, और ये वाला कोण सी समकोण है, और ए बी सी नाम रख दीजिए इसका। अब देखिए पूरा जो दिया हुआ है, समझिए ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर, देखिए ए से बी का स्क्वायर 2AC² के बराबर है। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 11 में 15 में 20 में 23 में पूछा क्वेश्चन है। अब देखिए चूंकि एबीसी, ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, अरे 90 डिग्री है, और ए सी बराबर बी सी, क्योंकि समद्विबाहु तो दो भुजा बराबर होना है ना, ठीक है। अब लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, जैसे ही समकोण बोलेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए एकदम फ्री आप, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हुआ, देखिए समकोण के सामने का भुजा कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, और देखिएगा ए बी स्क्वायर इक्वल, ध्यान दीजिएगा ए सी किसके बराबर है या उल्टा बी सी किसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी के जगह पर ए सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए सी 2AC का स्क्वायर हो गया सिद्ध। देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए क्या है समकोण, और ए सी लंब दिया हुआ है बी डी पर, तो ज्ञात क्या करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ये देखिए क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लीजिए, इसका नाम क्या रखना है ए बी डी, लेकिन ध्यान रखना कि कोण ए को समकोण लेना, तो कोण ए बी को समकोण हो गया, ये बी ले लीजिए और ये डी, तो ए बी डी समकोण त्रिभुज बन गया और कोण ए समकोण हो गया। उसके बाद कहता है कि ए सी लंब है बी डी पर, देखिए ये बी डी है, ठीक है, इस पर ए से लेना है ए सी लंब, तो यहां से कहीं पर इस प्रकार से मान लीजिए कि सी है, इसको मिला दीजिए, तो ये वाला जो है वो क्या है लंब है, किस पर लंब है, ए सी सी लंब है बी डी पर, ये देखिए हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी,
बी से सी इंटू बी से डी, ये सिद्ध करना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दो त्रिभुज इसमें देखिए, त्रिभुज लीजिए ए बी सी और त्रिभुज लीजिए ए बी डी, ये दो त्रिभुज आप लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान दीजिएगा देखिए, दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा, ध्यान दीजिएगा ए बी और ए बी दोनों में उभयनिष्ठ क्या आएगा बोलिए। हाँ। देखो अगर हम ए बी डी लेंगे बड़ा तो ए बी आ रहा है, ए बी सी लेंगे तो भी आ रहा है, उसके बाद कोण ए बी सी में देखिए, ए बी सी में ये बड़ा देखो, इधर समकोण इधर भी समकोण रहेगा ना, तो एक कोण समकोण है कौन सा सी, इसमें कोण समकोण है ए यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोण बी और कोण बी है उभयनिष्ठ बोलो, ठीक है, कोण भी इसमें भी आएगा और कोण भी पूरा में भी आएगा। अब बात कीजिए अगर किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस ए समरूपता से, त्रिभुज क्या हो गया समरूप, तो ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज ए बी डी। अब बात कीजिए अगर त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजा समानुपाती। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में लेते हैं ए बी भुजा, अब ध्यान दीजिएगा समझिएगा, ए बी सी ये बड़ा त्रिभुज, देखिए ये समकोण है तो समकोण के सामने कौन सा भुजा होता है कर्ण, तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी का कर्ण ले रहे हैं तो ए बी डी का भी कर्ण लेना पड़ेगा, संगत भुजा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा देखिए ए बी डी का ये समकोण, सामने कर्ण कौन होगा बी डी, तो बटा बी डी, क्लियर। उसके बाद देखिए यहां से ले लीजिए बी सी, ये किसका बी सी लीजिएगा, ये त्रिभुज छोटका वाला त्रिभुज में, ठीक है, बी से सी, तो बी से सी किसका काम करेगा, देखिए ये समकोण है, ये सामने है, ये लंब है, तो ये क्या है आधार है, तो आधार होगा ना, देखो ये समकोण है तो ये सामने कर्ण है और ये क्या है लंब, तो ये आधार बच गया, तो ये आपका आधार है, किसका आधार, ये छोटा बड़ा त्रिभुज ए बी सी का, तो हम लोग आधार ले रहे हैं बी सी, तो बड़ा वाला का भी आधार लेंगे। अब देखिए ये समकोण है ये लंब है तो आधार क्या होगा ए बी, आधार ए बी, गुना कर दीजिए देखिए ए बी गुना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर फिर बी सी गुना बी डी, यही सिद्ध करना था, चलिए ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत इसमें, चलिए नोट कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर लिख देते हैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज बन जाएगा, माना कि एक त्रिभुज एबीसी तथा दूसरा त्रिभुज DEF है, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है DEF बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज के ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर, देखो त्रिभुज एबीसी में एबी को बीसी को या एसी को किसी को भी ऊंचाई मान लेते, ठीक है, तो अगर हम इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि चलो एबी है, तो एबी का ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई मान लीजिए कि डीई है, हमको वो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है डीई का मान, ठीक। अब देखिएगा चूंकि बात कीजिएगा, एक थ्योरम होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी अगर हम करें एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और अनुपात कर दें एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, बराबर क्या होगा संगत भुजा के वर्ग का अनुपात, तो इसका संगत भुजा लीजिए ऊंचाई ए बी इसका स्क्वायर, इसका संगत भुजा ऊंचाई डीई का स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखिए देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, डीईएफ कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि 4.8 का स्क्वायर
और बटा डीई का स्क्वायर। क्लियर? और देखिएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 9 चौक 36, 9 नवा 81। तो अब उसके बाद यहां से देखिएगा 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। बोलिए 2 का 4, 3 का 9 बराबर। इधर क्या है देखिए 4/8 और डीई दोनों पर स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर 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 कैंसिल। उसके बाद 24 की 48, ये यहां जब गुना होगा तो बच जाएगा क्या डीई 24 या 72 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए त्रिभुज का लास्ट क्वेश्चन ये है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खड़ा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसका ऊंचाई कितना है 6 मीटर। देखिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर भूमि की छाया की लंबाई, दीजिए अब इसका छाया बनेगा भूमि पर, तो मान लीजिए कि इसका छाया भूमि पर ऐसा कर रहा है, ठीक है, और ये भूमि पर जो छाया बनेगा इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। ये जो छाया बन रहा है भूमि पर, ये छाया बनेगा, देखिए ये मीनार है या क्या है दिया स्तंभ है, तो इस स्तंभ का भूमि पर छाया ये बन रहा है, कितना बन रहा है छाया 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो एक और मीनार बना लीजिए, तो एक मीनार बना लीजिए, इसका रख दीजिए नाम डी ई। एक मीनार की छाया की लंबाई, तो छाया भी इसका भी भूमि पर बनेगा, तो इसका छाया का लंबाई देखिए, ये वाला जो छाया है ये दिया हुआ छाया का लंबाई 28 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसका ऊंचाई क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये समकोण बनेगा, ये समकोण बनेगा, तो लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री समकोण, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देखिए बच्चा, पता है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, जितना समय में ये 4 सेंटीमीटर का बनता है उतना समय में 18, यानी कि दोनों का टाइम बराबर, दोनों का उन्नयन कोण भी क्या देगा बराबर, यानी कि कोण ये वाला या और ये वाला कोण सी दोनों को देगा बराबर, कैसे उन्नयन कोण एक ही समय में बराबर होता है, हम लोग लिखेंगे कोण सी बराबर कोण या बराबर लिख लो, क्योंकि एक ही समय में बना उन्नयन कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। अरे तो दो कोण बराबर हो गया, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ए ए समरूपता से, कौन समरूपता से ए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बात कीजिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती, यानी अगर हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का बी सी तो इसका क्या लेंगे ई एफ, अगर इसका लेते हैं ए बी तो इसका क्या लेंगे डी ई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मान रख दीजिएगा यहां से, अब उसके बाद देखिए यहां पर इसका मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा बी से सी, बी से सी कितना है जी 4 सेंटीमीटर, बता ई से एफ कितना है 28 सेंटीमीटर, उसके बाद ए से बी कितना है 6 मीटर, बता डी से ई, डी से ई ऊंचाई मीनार का ज्ञात करना है तो एच रख लीजिए, और देखिए सचो के और इधर कर दीजिए यहाँ 7 हो जाएगा, सचक 42, तो याद रहेगा 42 मीटर, यानी मीनार का जो ऊंचाई होगा वो 42 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो 100 टाइप क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन बैंक का, वो सब समाप्त हो गया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति।